नमस्कार, यान टीवी में धर्मेंद्र कुमार। लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे आज से ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू करेगा। कल यानी मंगलवार से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इस ट्रेन के लिए आज सोमवार 4 बजे से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग होनी थी, पर ऐप पर डेटा नहीं फीड होने की वजह से IRCTC की वेबसाइट पर अभी भी बुकिंग चालू नहीं हो पाई है। बुकिंग 2 घंटे बाद यानी कि अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब यानी 6 बजे से चालू होगी। घर जाने वाले शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो पूरी तरह स्वस्थ होगा उसे ही घर जाने की अनुमति होगी। इन ट्रेनों की टिकट, रूट, टाइम टेबल और अधिक जानकारी के लिए हम आपको एक रिपोर्ट बताते हैं। पहले दिन यानी कि 12 मई को राजधानी दिल्ली से कुल 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें से 15 डिस्टिनेशन के लिए पहले चरण में नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण की बुकिंग आज शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। टिकट काउंटर पर टिकट उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं पर एजेंट के जरिए भी टिकट आपको नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर स्पेशल ट्रेनों के किराए की बात की जाए, इन ट्रेनों पर किराए का सीधा संबंध राजधानी के किराए से होगा। केवल राजधानी का किराया ही मान्य होगा। सभी ट्रेनें AC कोच की होंगी। कम पैसे में घर जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, उसके लिए आपको मजदूर स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि पूरे देश में 351 ट्रेनें चल रही हैं। इन 15 ट्रेनों को पूरे देश में अलग अलग शहरों में नई दिल्ली से संचालित किया जाएगा। हर जगह ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी, स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जाएगी। रेलवे का प्रयास है कि संक्रमण से बचाए रखने के लिए सभी को स्टेशन से बाहर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। जिनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी वही मात्र बाहर से सफर कर सकेंगे, ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे।